जंगल है वरना यहाँ तो कैंपिंग करने का मजा आएगा। बाना पता है दो डब्बे बन गए, तीसरा बन गया। हरिद्वार में ली गई है 1960। देख रहे होगे सामने ये क्या चल रहा है, तो ये चल रही है क्यूरिंग, बोल सकते हो आप। पानी का स्प्रे चल रहा है, नमी बनी रहे ताकि पौधों में जड़ों में मारना सबसे नीचे और उसके साइडों में जो पूरा वो एरिया होता है ना तौलिया वाला उसमें मारना। सोचा था कि क्या बोलते हैं बारिश होगी, कल हुई थोड़ी बहुत बारिश हुई फिर बंद होगी और आज देखो आज जो है मौसम बहुत ही ज्यादा सुहाना, क्लियर है, ब्लू आसमान साफ बिल्कुल, तो मजा आ रहा है आज। गर्मी भी बहुत होने वाली है आज, जिपर उतार भी लेना चाहिए अब जो मुझे लग रहा है। सुंदर बहुत हुआ यार इस टाइम। अभी सबसे पहले फ्रेशन अप हो जाता है, ब्रश करता हूँ, फिर नहाना है, फिर खाते हैं, फिर निकलते हैं। लेट ऑलरेडी हो चुके। देखो मेरे को कौन मिले हैं हमारे। ये मास्क मेरा पता नहीं कितने टाइम से गायब था, इतने टाइम से गायब था, मुझे लगा था मैंने घुमा दिया कहीं ना कहीं। ये रेड वाला भी मेरे को ऐसे ही लग रहा है कि मैंने घुमा दिया कहीं, वो भी पक्का किसी ना किसी कपड़े में होगा, जरूर से मिला है, वो भी ऐसे मिलेगा मेरे को। मेरा मास्क क्या सीन हो रहा है बार बार। ट्रिम कर दिया था सेगमेंट जिसमें मेरे को कॉपीराइट आ रहा था, पता नहीं ये कॉपीराइट हटा नहीं है, बहुत चोचले होते यार ये कॉपीराइट के। मेरी तो मतलब कई वीडियोज ऐसी मरवाई है ना स्टार्टिंग में, तो मेरी इतनी वीडियोज मरी है ना, मैं जैसे एपिडेमिक साउंड यूज करता हूँ, जैसे मैं पहले यूट्यूब से नो कॉपीराइट म्यूजिक लेता था तो उससे तो भाई साहब इतने कॉपीराइट क्लेम्स आते थे, इतनी अच्छी से अच्छी वीडियोज ऐसी मरी है बस। मम्मी ये परांठे आप अजवाइन सच्ची नहीं है, तो चलो मैं नमक के साथ खाऊंगा परांठे। आप लोगों ने खाना है, खाना कहाँ से जाना हमने, तो अच्छा इस साइड से भी तो जाता था एक रास्ता, इस साइड से अच्छा दो रास्ते, एक इस साइड से जाता है एक इस साइड से जाएगी, इस साइड से धूप से बचने के लिए। और ये डायरेक्ट नीचे रोड पे ही मिलता होगा पहले तो, रोड से नीचे है ना इस साइड से जाने किसको। अच्छा प्रॉपर रास्ता नहीं है वैसा, चलते अंकल लोग इस रास्ते में ज्यादा चलते आ जाना अभी, ठीक है टाइम से, ठीक है अंकल जी, ठीक है। हम इसलिए जल्दी निकल रहे हैं क्योंकि पीछे काम शुरू हो गया, साफ सफाई, खाना बनाना। मम्मी जा रहे हैं घर के पीछे से, निकलेंगे हम डायरेक्ट नीचे जो रास्ता आता है हमारा कच्चा रास्ता, साथ में ले जा रहा है भाई डंडा, क्योंकि रास्ते में बीच में झाड़ियाँ होते, बीच में रास्ता कहीं खराब हो तो सहारे के लिए हो जाएंगे। ओ इसको तो भूल ही गए भाई, बाय बेटा बाय बाय, मिलते हैं जल्दी, ठीक है मिलेगा आपसे जल्दी, जाओ आप जाओ जाओ चालू, छोड़ेगी नहीं हमारा साथ जल्दी जल्दी। जा जा बेटा जा जा, नो नो हम जा रहे हैं और इससे आगे अभी आएगी नहीं, इसका एरिया ख़त्म हो रहा है, देखो खुद रुक जाएगी। इस वाले रास्ते से तो मम्मी मुझे वो याद आ गया, मैं उसके लिए नहीं गए थे वाटर सोर्स की तरफ तब, पूरे रास्ता ठीक है। मम्मी देना फटाफट भागी, इनके जूते ठीक है ना, ग्रिप ग्रिप ठीक है इनके जूतों में, तो फटाफट दे रहे दौड़, मेरे में ग्रिप है ही नहीं है। तो मेरे को भी लेने पड़ेंगे यार कोई ऐसे जूते, अपने पास है सारे शहर वाले जो बिल्कुल नीचे से। हाँ क्या हाँ शिमला में, हाँ है तो अभी ट्रैक करेंगे, मैं और भैया ने सोचा है। कहाँ ले जा रहे हैं मम्मी आप, पता भी आपको रास्ते का? अच्छा ये पेड़ टूटे बीच में आ गया, तोड़ूं दिहाड़िया निकल जाएगी इससे तो फिर पीछे से। और भाई मैं ना बीच बीच में निकालूंगा फोन, वरना चलना मुश्किल हो रहा है, और गिरूंगा ना एक बार ये तो जाऊंगा भी नीचे डायरेक्ट, ये तो ज्यादा आसान रास्ता है। क्या बात है यार, देखो सड़क पहुंच भी गए। अच्छा मम्मी को तगड़ा आइडिया है। अच्छा लेबर लगी जिमी, गो बेटा गो,
अच्छा देखो लोग यहाँ चराने आते हैं अपने डंगरों को, बड़ा जंगल तो है तो इनके लिए आसानी हो जाती है, दिन भर छोड़ के रखेंगे फिर रात को ले आएंगे। चलो इसने मानना नहीं, आराम से चलना। ये स्पॉट आ गया, स्पॉट हमारा होता था रेड स्पॉट। ये देखो कितना ओपन एरिया है यार, ये यहाँ तो जंगल ही जंगल है, वरना यहाँ तो कैंपिंग करने का मजा आएगा। तो ये हमारा रेस्ट स्पॉट होता था, स्पेशली जब ऊपर आते उठते थे दुनिया से ऊपर अपने हथा के लिए। एक तो ओपन ओपन इलाका है, आराम से बैठो विश्राम करो। हाँ जी हाँ, और यहीं से तो एक वो रास्ता निकलता है दूसरे ऊपर की तरफ। यहां से नहीं निकलता। हाँ वो आगे आगे निकलता है यहाँ से आगे। हाँ जी रात पाते थे हम नीचे, सुबह वापसी, और ऊपर होते थे 10-15 आदमी लेबर वाले लगे, तब जाके उनके लिए डिनर लंच बनाना पड़ता था। टाइम के लिए पहुंचने अभी से उगने लग जाते हैं मगर है, अभी तो थोड़े थोड़े हो गए, असली तो जून में नहीं आता इनका, मई जून में। ये अभी वैसे सीजन होता नहीं है, हाँ मगर वो है शुरुआत हो जाती है अब इनकी उगने की धीरे धीरे करके। ए लो जी आगे सामने सड़क अपनी, अब तो 5 मिनट का रास्ता है बस। चलो आ जाएगी, मगर मेरे को लग रहा है तब भी नजदीक तो है रास्ते के। कोई नहीं आ रहा, उतरे तो उतरे कहाँ से, कोई नहीं यहाँ से नीचे उतरते इस खेत में, खेत से नीचे उतर देंगे। भाई भी पहुंच गया, हो तो कोई टेंशन नहीं, अब तो टेंशन तो चलो ऊपर भी नहीं थी, पता था पहुंच जाएंगे जैसे तैसे, बस वो है कि अब ऊपर चढ़ना है। कोई नहीं, ले आओ बॉटल है उससे पी लेते, ठंडा है पानी। कैसा है मीठा? आई मजा। जिस आदमी की डेथ हो जाती है ना उसको लगता है, जो बोलते हैं मान्यता। अच्छा मतलब मरने के बाद एक दान सा होता है, दान सा होता है, जैसे कपड़े देते हैं। हाँ। तो यहाँ ये लगता है जो उसके पीछे बैठे ना बेचारे, वो लगता है कि बेचारा वहाँ आगे पता नहीं प्यासा होगा कि कपड़े नहीं होंगे। हाँ जी स्कूल में टंकियाँ दे, हाँ टंकियाँ शहरों में तो स्पेशल, शहरों में टंकियाँ दे देते हैं क्योंकि स्कूल में बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको नहीं चाहता है। तो जी फाइनली पहुंच ही गए, कब से मैं और मम्मी ने दौड़ लगाई है लेने की, आपको पता नहीं था भारी सामान लेने। तेने बताया कि उन्हें भाई नौकर बनाया रखा मैंने, मिट्टी की बनाया रखा ठीक तो होगा सुनिए, इतना भारी बैग है दादी लेने, पूछना तो जी यार पोते को अपने, चक के देखो 10 किलो का बैग है। कितने किलो का है भाई? मैं 80 का। नमस्कार जी, ठीक है जी, प्रिपरेशन शुरू हो गई अब खान पान की स्पेशली, तो क्योंकि अब मेहमान आने लगेंगे हमारे यहाँ स्पेशली तो रात को, तो देखो आटा गूंद लिया गया है और भी थोड़ी थोड़ी तैयारी। देखो आज सिड्डू बनने, तो सिड्डू मेकर बना, सिड्डू बनेंगे, दाल बनेगी, चावल बनेंगे, चटनी बनी हुई है। अच्छा चटनी, सबसे छोटे वाला बेटा से बड़ा काम कर रहा है। आपने क्या किया? मैंने आराम चटनी का सामान लाया, मसाले बनाए, मंदिर साफ किया। अच्छा साफ किया है, तो बस तो इतना ही हो सकता है, मेरे से ऊपर नहीं कुछ नहीं होगा। तब भी आओ ड्रामे मेरे, तू भाई लाए मैं चो। हाँ बुखार तो आता है जी, तगड़ा बुखार आता है उसका। उसको ना बाहर के साले चूड़ा जा रहे थे, टेढ़ा टेढ़ा, मैं कैसा काम कर रहा हूं, वो आया रोटी ब्रेकफास्ट कर।
ये मेरे को ना अभी गुड्डू पापा ने फोटो दी है, पहले देख लो। फोटो है हरिद्वार में ली गई है 1960। और ये मैं आपको बताऊं कौन कौन है, ये हमारे दादाजी भगत दादा दादी जी, और ये है हमारे रियल दादा, और पीछे दादी हमारी। कितने जवान है इस टाइम, इनकी उम्र ऑलमोस्ट इस टाइम होगी 20-22 साल। गोलगप्पे जैसे लग रहे हैं दादी अभी इसमें। मुंह आपका पहले से बड़ा है, देखो बढ़िया फोटो आई है। मैं कह रहा यार इतनी पुरानी फोटो, 60 साल होगी दादी, 62 साल। आपको बांध के तो नहीं रखना रस्सी से कहीं कि भूल के कहीं और ही चल जाए। देखो एक साइड डल रही है दाल, ज्यादा लोग आ सकते हैं, मेहमान आ गया आज हमारे, और साथ में सिड्डू का आटा। शुरुआत हो गया भाई, सिड्डू में करे यहां। ये देखो जी, दो बेई साहब सिड्डू बनेगा आज, बनाएगी भी दादी। ये माश है, ये माश है, ये अच्छा पड़ेगा अभी इसमें गुड़ से ना, इसमें गुड़ का दो जो लिबारी दा से जानना दो जान दो ना। दादी अपनी एक्सपर्टीज लगाएगी अब। मम्मी आप लगे थे आराम से, गुड़ वापन देखो फटाफट। कंपटीशन लगा दो ना के भी। पापा तेजी बढ़ा दी गुड्डू पापा ने। मैं नहीं करता काम है, बस छिलके निकाल साइड बाय साइड बन गया चाय, क्योंकि चलो ये लोग काम करें, मैं थोड़ा इनकी एनर्जी के लिए ध्यान रखा जाए। नहीं जी लाइच नहीं मिली जल्दी करो बे, जल्दी बन गई चाय। साथ में देखो भाई मक्खियों का कहर, करेगी कुछ नहीं, आप इनको तंग नहीं करोगे, देखो करेगी नहीं। मेरे को गर्मी आ गई ना तो शायद अब ज्यादा बाहर हो रही, सर्दियों में नहीं थी ये बाहर। जुट्ठा डालते हैं जिया अभी, क्यों ये अभी इधर आ जा बेटा, क्या हो गया, यहाँ तक पहुंच इधर आएगी। मिला बेटा, क्यों आ गया नीचे, क्यों आ गया बेटा, क्यों आया है, किसने बुलाया तेरे को नीचे, आजा दादी से मिलाऊं तेरे को मैं, आजा मिला बेटा। देखो इतना शरीफ है, देखो हेलो कर दे दादी को, हेलो कर दे, वो तो कभी फेल नहीं होगा, सिखाओ आजा, आपको दे दिया सिखाओ, सिखाया देखो, हेलो हेलो देखा, हेलो करती है, बन गई हमारी दाल। ये दाल है, कुकर है, कुकर कुकर प्रेशर खाता भी है कुकर। धीरे धीरे सिड्डू बनने की तैयारी भी होगी, अभी दाल बन रही है, साथ में देने लेके आई है। क्या कहते हैं प्यार होता था दी, प्यार देखा इंसान को ना इतना प्यार एक दूसरे जितना देखो कुत्तों को है, तभी तो लोग कुत्ते पालते अब समझे। कुत्ते का जन्म हाँ जी दादी की गोदी में, वो कभी नहीं जाएगी, मारते हैं ना उसको, खिलाते पिलाते होगे ना उसका, तब ज्यादा प्यार करती किसी से ना दुश्मनी, हम नहीं है ऐसे की बिल्कुल की घुस घुस के किया बिल्कुल पर, हम ऐसे नहीं है। तो क्यों लाए घास, खट्टा ही खट्टा होता है, लेमन की तरह खट्टा होता है, इसका बेस है ना अंदर से काला नहीं होएगा, इसकी वजह से इसको बोलते हैं अंजबड़ा। क्या अंजबड़ा, क्या अंजबड़ा, खटाई पत्ते खट्टे अंजबड़ा। पिट्ठी अपनी तैयार है माश की और मीठे की, तो मेकर में खटाई का ये खटाई पत्ते डाल, लेमन ये ना तो बना दादी, चटनी भी बन गई इसकी है, अगर आपके पास खटाई नहीं है ना कोई चटनी में। अच्छा तैयारी हो रही है हमाम जलाने की, कोशिश मैंने की पिछले 10-15 मिनट से लगा रहा हूँ, मेरे से नहीं जला, अब अंकल जलाएंगे मेरे लिए। बस अंकल मैंने भी ऐसे छोड़ा बुझ गया।
आए पकड़ी भी इसने आगे जल जाएगा। मैंने लकड़ियाँ कम यूज करके लग रहा है। हाँ वही जीता भी नीचे पकड़ने के लिए था ही नहीं क्योंकि कुछ आ गया। हमने देखो बादल क्या लग रहे है भाई सामने, इसका तो टाइम लैप्स बनाता हूँ मैं कहीं से। हमारे देवता जी जो आएंगे वो इस रूम में रहेंगे, क्योंकि हमेशा जब भी देवता जी को लाया जाता था तो इस रूम में रखा जाता था। हमारे दादा होते थे भगे दादा, तो उनका रूम होता था जहाँ उन्होंने अपना एक मंदिर बनाया था। जाके तो देखो यार इतने टाइम बाद देखो, और बहुत पुराना रूम है, बहुत ज़्यादा पुराना। सोचो उस घर में जो 600 से 700 साल पुराना घर है ना, उसमें एक उनका एक टीवी होता था पुराना, यहाँ हमारे को यहाँ वो महाभारत दिखाते थे बनाने के, सिड्डो बनाने के। दादी पहला कौन सा बनाया, माश का मीठा? अच्छा जी, क्यों ऐसा क्यों? फिर ऐसे ना मुश्किल होते ना बेटे अच्छा पकाने, पकाने ना। अच्छा 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 और ये होते जी खुद ही तो बनाएगा। काम पड़े लग गए देखो, टांगे काम पर आ गए अभी। बेवड़ा इतना बेवड़ा दादी के बनाए सिडकू दो, वो तो भर दिया दादी ने, अब तीसरा भरने की उसमें दादी। तो गाइज अभी जा रहे हैं हम नीचे सामान लेने, क्योंकि पापा भी चौपाल से आए और साथ में गाड़ी लगानी नीचे यार, तो वो लगानी गुड पापा की गाड़ी के साथ, तो थोड़ी वो पीछे करनी है, बैक करनी है, उसके बाद अपनी गाड़ी भी वहाँ लग जाएगी आराम से। देखो जी लग गई है जी गाड़ी, कितनी जगह है, काफ़ी जगह है। तो मैं गुड पापा, तो यार यहाँ देखो बड़े एज एज का खेल होता है गाड़ी लगाने का। पकड़ दो पापा, लियाओ 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 हल्की, यहाँ पीछे देखो, ये देखो भाई इतना गैप बचा है बस पीछे, बतेरी है बाप अंदर बतेरी। गाड़ी तो नहीं गई होगी अभी यहाँ, सबसे पहला उद्घाटन हम कर रहे हैं दुईना रोड का, क्या ही जानी गाड़ी यार, अभी तो काम ही चल रहा है यहाँ। टाइम भी लगेगा इसको यार पक्का होते होते ही, चलो कम से कम बंद तो गई निकल तो अच्छा। यहाँ से ऊपर कैंची कटेगी है ना इस साइड को, यहाँ से ऊपर देखो कैंची पड़ेगी, कैंची मतलब एक टर्न और इस साइड को कटेगी, फिर यहाँ से फिर एक और कैंची कटेगी वहाँ से, यहाँ से फिर ऊपर, यहाँ ऊपर अच्छा ये खिल अच्छा इतने बार हमने घास आड़ो तो यहाँ निकलेगी भाई अपनी सड़क देखो पक्की के, चलो बच्चों की ड्यूटी थी पहले को घुमाना खिलाना अच्छा, फिर पुण्य का काम, पुण्य मतलब जो मिक्सिंग होती है ना, दाने अलग करना वो जो उसका वेस्ट है गुल्ली डंडा यहाँ होता था बाहर, हम ये फट्टे नहीं होते नीचे होता था अच्छा, यहाँ बैठते थे बाहर मांझे से यहाँ नीचे, तो हमारे लिए थोड़ा सा नीचे ऐसे बैठ गए, वो करते थे गोबर से लिपाई ना बैठ गया ऐसे पढ़ने। आज के दिन क्या होता दादी? आज बरनी बरनी बनती है, पहले सीडू बने देवते के नाम से ना, अच्छा देवते के नाम, हाँ फिर कल देवता आएंगे, फिर जो बरनी के सीडू खाएंगे ना जागरण के लिए, फिर वो क्या सुझाते है मतलब व्रत करते हो, हम खाएंगे ना चार या पांच आदमी रहेंगे कल, चार अच्छा दादी कल दिन को शाम के रोटी बनाने के लिए, नहीं नहीं रोटी चाड़ने का अच्छा उसके लिए, तो थोड़ा गांव से ना अपने बरादरी को इसलिए बुलाते हैं कि भाई आज बननी है देवते का पहला दिन है, कल देवता है सभी का देवता है, क्योंकि देवता सब बननी बननी है ना, खाएंगे तो पूरा परिवार गांव के भी आएंगे, इसमें से जेंट्स लोग है ना जो चार पांच जेंट्स रहेंगे वो व्रत में रहेंगे फास्ट करेंगे, तो उसके लिए देवते के फंक्शन के लिए खाना बनेगा ना, वो लोग बनाएंगे जो फास्ट में देवते को भोग लगेगा ना, देवता घर में आएगा भोग लगेगा, उसके बाद बाकी गांव वाले तो खा लेते, फिर शायद पंडित जी रहते हैं जैसे डैडी पापा है वो भंडारी अच्छा। वो रहते हैं ताता वो रहते हैं, वो ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, देवता देवता जो ला रखा है नी इनकी प्यासली होती है, ठंड देनी पड़ती है देवते को, जागरे होते हैं प्यासली होती है, नियम होते गर्म होता है, ये हम दुईना वाले तो दुईना वाले गाँव के करेंगे, कभी ये रखेंगे कभी हम रखेंगे, हमारे को तो 30 साल करनी पड़ती है, जैसे ये तो बाकी मानता ही होती है किसी को बरगद के लिए किसी की खुशी के लिए कोई अच्छा काम हो रहा है कि मैं तेरी प्यास ली हूँ,
अच्छा नहीं ये कोई तेरा हम पूजा करेंगे ऐसे टाइम में ऐसी कोई लोग ऐसे करते कि हमारे घर में इतनी बरकत भरी दी हो या किसी के घर में बरकत भरी दी हो रही है ठीक है सुख शांति बरकत भरी हो रही है ना उसके लिए इनकी भगवान अच्छा होगा। लोग आते जा रहे हैं जो मैंने आपको कमरा दिखाया था दादाजी का दिन को वहाँ चल रहे हैं पूजा खाने पीने की तैयारी हो रही है ये देखो यहाँ भी कुछ ना कुछ चल रहा है बढ़िया जी बढ़िया बढ़िया नमस्ते क्या ले बढ़िया सारे लोग कौन सी क्लास में हो थर्ड प्लस वन प्लस वन चलना सचिन।